ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक डबल डेकर बस ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि बस के परखचे उड़ गए। मृतकों की पहचान पुलिस कर रही है। घायलों का इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अनोखी वीडियो सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश की शामली के SP अजय कुमार कांवड़ियों के पैर दबाकर सेवा की है। शिवभक्त कांवड़ियों की कड़ी सुरक्षा भी की गई। वहीं एक कैंप में शिवभक्तों का पैर दबाकर SP ने उनकी सेवा की। वहीं BJP के विधायक संगीत सोम ने भी कांवड़ियों की सुरक्षा में लगे रहे और एक शिविर का उद्घाटन भी किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिर्फ बच्चा चोरी के आरोप में 2 लड़कियों की जमकर पिटाई हुई। लड़कियां किराए का घर देखने गई थी, मगर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने डंडों से पिटाई की। पिटाई में लड़कियों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि भीड़ द्वारा पिटाई, मॉब लिंचिंग जैसी घटना देश में बढ़ते ही जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने 5 कार सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये इतने शातिर हैं, गिरोह के हैं, कि पलक झपकते ही किसी भी कार को चुरा लेते हैं। पुलिस ने इनके पास से 9 कार बरामद की है। गुरुग्राम से चोरी कर UP में ये कार को बेचा करते थे। पुलिस अब इनकी गैंग के और भी साथियों की तलाश में जुटी है, मगर 5 लोगों को पकड़ने में गुरुग्राम पुलिस कामयाबी हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 6 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डालकर एक बेहतर ज़िंदगी जीने का फैसला लिया है, जिनमें 4 महिला 2 पुरुष शामिल हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, लेकिन अब ये 6 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।